मैं तो हर्ष को देख रहा था, मेरे को ऐसा अरे कुछ शुक्र है क्यों पकड़ा है, क्योंकि नॉर्मल बात करना कि कैमरे की तरफ देख रहा, तो कॉन्शियस हो रहा है। मेरा यही है ब्रो कि भाई जो अब मैं कर रहा हूँ ना ट्रेनिंग, अब के हिसाब से बता देता हूँ कि भाई जो मैंने पहले वाले साल किए ना, मतलब मैंने अगर मेरे को पीक पे आने के लिए, नेशनल के टॉप पे आने के लिए मेरे को अगर 6 साल लगे हैं, 7 साल लगे हैं, जिस हिसाब से अब ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं, जैसे उसमें वो अप वाली ट्रेनिंग में मतलब मैं 2 साल में वो पीक पे आ सकता हूँ। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, एक तो हम जो पहले हार्डवर्क, एक हमारा स्ट्रक्चर ट्रेनिंग है जो हम मतलब जैसे कोई अब्रॉड से ट्रेनिंग लेते हैं हम, ठीक है, और बाकी डाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रो। वो एक्चुअली हमें मुझे अभी फील हुई है क्योंकि तो यार ये चीज़ें मेरे को पता ही नहीं थी पहले। वो पहले हम ये घी खा, ये खा, वो खा, खा सकते हैं गलत नहीं है, लेकिन जो राइट टाइम है खाने में वो एक्चुअली वो टाइमिंग सबसे ज़्यादा आई इम्पोर्टेंट थिंक है। डाइट तो अर्षवी तेरी पहले भी बहुत बढ़िया थी यार, वैन यू आर डाइट प्रो, अच्छी थी ब्रो, और बात इक्विपमेंट्स टाइम वगैरह के ऊपर तो आई थिंक उस टाइम पे भी फोकस नहीं किया था, बिल्कुल ओनली ऑन फोकस दैट नहीं। नॉर्मल व्हील्स माइंडसेट होता था यार। एक चीज़ और हमेशा मतलब ना प्लेयर सोचते हैं कि जो चैंपियन प्लेयर्स होते हैं ना, वो प्लेयर्स रेस से पहले सोचते क्या स्टार्टिंग में, जब खड़े होते हैं ना दे ऑल गेट नर्वस, मतलब ऐसे नर्वस हो जाते हैं। तेरे माइंड में क्या चलता था यार रेस से पहले? ब्रो पहले तो मैं तो रहता ही नर्वस था, डर के जाता था रेस में, लेकिन फिर मेरे मतलब मेरे फादर ही जाते थे, जहाँ भी जाते थे नेशनल में ट्रायल्स में, तो मेरे पापा बोलते तू लास्ट आए, लेकिन तेरे को पता होना चाहिए तूने अपना बेस्ट दिया। अगर तूने अपनी जान ही नहीं लगाई, इतनी ट्रेनिंग करी और जान ही नहीं लगाई, तेरे को पता ही नहीं तू कहाँ स्टैंड करता है। पापा कहते कि मेरे को कोई टेंशन नहीं है, तो टेंशन फ्री होकर रेस लगा, क्योंकि अपना ऑल आउट दे, साथ वाले को पता हो कि भी बैंड बजाई है, चाहे वो तेरे से जीत गया, कल को उसको डर तो लगा आई रहेगा रिमेंबर ना। दैट ट्रायल्स रेस कि अर्शिन ने ब्रेकअप में मारा, दे ऑल आर गोइंग कि कोई नहीं नया लड़का है ये तो कुछ नहीं करेगा, एंड यू गॉट सेलेक्टेड एंड यू गॉट दैट मेडल दैट ईयर, ऐसा था यार। तो यार ये सुनने में आया था, ये मेरे को बताया था प्रवीण देशपांडे सर ने जब वो आए थे कैमरे में मेरा बुलाए मेरा थे। ट्रायल सा पूरा ख़राब गया था, लास्ट रेस में मैं सेलेक्ट हुआ, तो ऐसा फिर कुछ हुआ था क्या? मेरे को सर ने बताया था कि कुछ एक इंसिडेंट होते हैं अमितेश, होते हैं ना कि मतलब कि जो मेमोरेबल बन जाते हैं, जैसे कि ये बताया था मेरे को सर ने कि और ऑलवेज आस्किंग कि सर मैं जाऊँ क्या, मैं ब्रेकअवे पे जाऊँ क्या, आगे भागने के लिए जाऊँ क्या, ऐसा कुछ पूछा था क्या? हाँ बोला कि तेरे अंदर इतना हंगर पैदा हो गया था उस रेस के अंदर कि मतलब उसके बाद तूने ब्रेकअवे जब मारा तो उसके बाद फोड़ ही दिया था। हाँ तो दैट ब्रो इज़ ट्रू स्टोरी। प्रवीण सर से मतलब कम होती है बात, लेकिन जब भी आया कभी वो मेरे को ना हमेशा उनसे ऐसे ही लगा कि भाई काफ़ी कनेक्शन है उनके साथ, जो मतलब मेरी थिंकिंग थी ना वैसी उनकी है, कि भाई ब्रेक अवे ऐसे करना, इतना पुश करना हमें, तो मेरा मतलब काफ़ी उनकी और मेरी सोच काफ़ी मिलती है, मतलब काफ़ी मुझे अच्छा लगता है उनके साथ इट्स बात अवर ड्यूटी करके। टू टेल दैट गुड कोच अबाउट गुड कोचेज। यार तेरे को क्या लगता है प्रवीण देशपांडे सर के पास बच्चों से इंटरव्यू से मेरे को लगता है काफ़ी, क्या कुछ बेनिफिट हो सकता है सर के पास करने से? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरी और सोच, मेरी सोच और उनकी सोच में काफ़ी मतलब सिमिलर है, तो मैं तो उनको प्रेफर करूँगा। मेरी अभी थोड़ी थोड़े टाइम पहले भी बात हुई थी, मैं लुधियाना में नहीं था, उन्होंने बोला था मैं इधर चंडीगढ़ आ रहे, मोहाली आ रहे थे ट्रेनिंग करवाने, कैंप था उनका थोड़ा थोड़े दिन के लिए, वो कहते हैं कि भाई आ जा, तो मेरे एग्ज़ाम थे मेरे, तो फिर मैंने बोला कि भाई सर मैं ट्राई पूरा करूँगा, तो फिर मैं हो नहीं पाया, लेकिन तो फिर मैं सर को बोला कोई नहीं सर मिलेंगे, अभी आए हैं वो उधर नेशनल से। आए हैं यार, मिले भी हैं, और इवन अच्छा उनका बहुत अच्छा टाइम चलना स्टार्ट हो गया आपकी वन इंटरव्यू। सर डिस्कस नहीं करते कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को, सर को भी ट्रैक मिल गया है एंड सर के पास किट्स भी अभी काफ़ी आने लगी हैं, जैसे पॉलिटिक्स यू नो एवरी थिंग अबाउट हिम, आई थिंक जो भी चलता था पुणे नागपुर में अब थोड़ा अच्छा टाइम हो गया है। क्योंकि सर अपने को ही बच्चे मानते हैं यार सबको, सर हैव नो किड्स। नहीं सर, सर से मेरी बात हुई थी इस बारे में कि भाई सर अभी आई एम अप्लाइंग टू कम बैक।